पहले मैं आऊंगा हमारे सीईओ टोरंटो 360 टीवी के यहाँ अर्शद भट्टी साहब मौजूद हैं। अर्शद भाई थैंक यू सो मच। टोरंटो 360 टीवी को ही मैंने उस वक्त वहाँ रिप्रेजेंट किया था और वो जो आपकी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पाकिस्तान में बैठ के वो हमने टोरंटो 360 टीवी पर रन की, उसके बाद हमने आगे लोगों को पहुँचाई और वो आवाज़ जो है वो आज तक अलहमदिल्ला जारी बस रही है। और मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत होगी तो आप उसको यूज़ करते होंगे। फिर हमारे साथ गजब है फैसल भाई, फैसल यूसुफ जो है वो रफीजुल वर्ल्ड वाइड जो है वो माशाल्लाह इधर के, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रफीजी गर्ल सिर्फ ये नहीं कि आप मुस्लिम खवातीन है उसके अंदर, किसी भी कम्युनिटी से किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो वो इनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। सिर्फ तो यही नबी साहब को मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ करीम सिद्दीकी साहब। करीम सिद्दीकी साहब के बारे में इतना गौरव है कि हमारा इनका ताल्लुक कराची से शुरू हुआ, PSO के चेयरमैन रह चुके हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो ऑयल इंडस्ट्री के इन्होंने जो है वो एज ए चेयरमैन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। और हमें अफसोस उस वक्त उसको हुआ जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम एक नई आवाज़ सुन रहे थे, हमने सोचा शायद करीम सिद्दीकी साहब को कोई ऐसा मौका फराहम किया जाएगा कि वो वहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री की जो इशूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया। आई होप कि इंशाल्लाह सर करीम भाई कि पाकिस्तान के अंदर आप जैसे लोगों की जो है वो जरूरत को समझते हुए आपको कहीं अच्छे होते पर फैसले लें। लताफत सिद्दीकी साहब वेरी सीजनल वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ कि अब तो बहुत कुछ सीखने सीखने के मराहल से गुजरते हैं, तो लताफत सिद्दीकी साहब वन ऑफ देम जो साथियों के अंदर माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, बड़ा अहम पार्टिसिपेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मैं इस तरफ भी आऊँगा तो यहाँ पर हमारे अदीम भाई बैठे हुए थैंक यू सो मच आदि। इसके बाद इरफान बाबा साहब, इरफान मलिक जो है वो हम कहते हैं कम्युनिटी का कोई भी इवेंट इनके बगैर नहीं हो सकता। इरफान भाई थैंक यू सो मच, हमारे टोरंटो 360 टीवी के जो है वो हिस्सा है और माशाल्लाह आजकल टिकटॉक का दौर है तो बड़े एक्टिव नजर आते हैं और इनको एक्टिव देख के हमें भी जो है वो जोश चलता है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। बड़ी मेहरबानी। ओएस इकबाल साहब, ओएस इकबाल साहब हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एक्टिव नजर आते हैं, उनमें से ओएस इकबाल हैं, मुख्तलि प्रोग्राम्स करते हैं यहाँ पर जियो टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी वहाँ पर मुलाकात होगी लास्ट इवेंट के अंदर और फंडरेजिंग के हवाले से माशाल्लाह इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है। इनकी अहमद गुरेजा साहब ए आर आई रिप्रेजेंट करते हैं और अहमद भाई बहुत कम नजर आते हैं आज, थैंक यू सो मच अहमद भाई आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए। फयाज बनाना साहब वेरी सीजन जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से ही सुबह सातों से वापस आए हैं, ई आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं और फयाज बनाना साहब जब लिखते हैं तो उनकी तहरीर के अंदर एक पैगाम होता है, एक मैसेज होता है और जिसे लोग पढ़ना पसंद करते हैं। फयाज भाई ये सिलसिला जारी रहना चाहिए हमेशा। अच्छा मैं फिर उस तरफ आ जाऊँगा तो सलमान जो है वो बैठे हुए, सलमान हमारे कॉलेज एसोसिएशन यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो प्रेजिडेंट रह चुके हैं सलमान, और सलमान जो है माशाल्लाह पेंटिंग का इनका पाकिस्तान में बड़ा काम है करा चुके हैं, कॉलेज इंडस्ट्री एरिया पाकिस्तान की जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें कॉलेज इंडस्ट्री एरिया का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन बहुत है। असफर अमीन साहब, असफर अमीन भाई जो है वो माशाल्लाह यहाँ पर उर्दू पोस्ट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही और इन टीवी पाकिस्तान पोस्ट सॉरी और इस टीवी जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, उनके साथ ही असमत भाई बैठे हुए हैं ये भी बहुत दूर से आए हुए हैं और इस टीवी को जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। चैनल के बारे में बता चुका हूँ आसिफ खान साहब कम्युनिटी टीवी को सीईओ हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ अर्से पहले शुरू किया है माशाल्लाह कम्युनिटी के इवेंट्स वगैरह कवर करते हैं। मेरी वाइफ कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई जो है वो औरत का होता है, अभी कामयाबी नहीं हुई शायद एक के बाद दूसरी भी हो जाए ये मुझे बहुत जो है मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है और वाकई में मेरी पाकिस्तान से यहाँ तक की जो लाइफ है उसके अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट भैया। मेरी छोटी बेटी मायरा, माई यंगर वन, उसका नाम ना तो साथी होगी क्योंकि मुझे घर जाना है मुझे अपने बेगम से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे अपनी छोटी बेटी से डर लगता है, और मुझे खुशी होगी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व करूँ किसी ना किसी काम के अंदर। मेरा बेटा बैठा हुआ है मुबशिर अली शेख, मुबशिर थैंक यू सो मच। इसी तरह जो है वो सलमान साहब के साथ आए हैं, थैंक यू बेटा, अच्छी बात है सलमान लाया करें, इवेंट्स में बेहद जरूरी है इस तरह के एक्टिविटीज के अंदर खासतौर पर। हमारे तकबीर से वाबस्ता लोग आए रामा रोग साहब, थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी काफ़ी मदद कराएगा लोगों का जो घर में रह गया। एक शख्स ऐसा है यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के अंदर जो बतौर कैमरामैन कई सालों से काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के हर इवेंट को कवर करते हैं, अगर हम ना भी हो तो वो टोरंटो 360 टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिर गया साहब। साबिर भाई थैंक यू सो मच, साबिर भाई जो है वो माशाल्लाह चीज़ों को कवर करते हैं और तारीख न्यूली आए लेकिन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो हर इवेंट के अंदर प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं और जो इनका एम है वो मकसद अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाए, तो मैंने कहा ये काम बेहद जरूरी था।
मकसूद सुब्रो साहब, सॉरी मकसूद भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में नाम लेने में शायद कहीं गलती भी है, बहुत मुआजत के साथ अगर किसी का नाम लेने में गलती हो गई हो। एक चीज जी बोल भाई, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करने को, ज़ैनब के बारे में पहले। ज़ैनब जब मैं पाकिस्तान में था तो ज़ैनब ने तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया था कैलगरी से बैठ कर, और ज़ैनब जो है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, पीएचडी कर रही है और बहुत इनके काम, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत खामोशी से अपना काम करती हैं। और इनकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज ये है कि जिस काम में ये लग जाती हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाने में इनका बड़ा रोल है। आपके में जब तकमील है, मेरे ख्याल में शाहिद भाई या मैं या नवीद साहब इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे जितना मेरा ख्याल है कि ज़ैनब का कंट्रीब्यूशन है। और मैं माइक हैंड ओवर करूँगा ज़ैनब को, और उसके बाद कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि वो भी बेहद होगी। ज़ैनब थोड़ी